इसमें पूछ लेगा आपसे, इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए 1 2 3 4। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज। तो हम बता देंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल 4। लेकिन नहीं, आंसर यहीं तक नहीं है, आगे भी है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज गिन लिए। और यह सभी त्रिभुज किसमें हैं? एक बड़े वाले त्रिभुज में, तो प्लस 1। तो यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1 2, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज, और एक बीच में है त्रिभुज, ये कितना हो जाएगा? 4। तो हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है 4, लेकिन आप लोग जैसे ही अलग तरीके से देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़े वाले त्रिभुज में सभी त्रिभुज हैं, तो प्लस 1 कर देंगे, बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए बाय द वे ऐसे करके दे दिया, इसमें एक और छोटा त्रिभुज बना दीजिए, ये आप लोग करके बताएंगे, मात्र 3 सेकंड लगना चाहिए। अब बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है। आपसे एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ऐसा फिगर दे देगा और पूछ लेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, व्हाट नंबर ऑफ ट्रायंगल, व्हेन नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप लोग बताइए, मैंने बोला था सबसे पहले काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4, किस वाले त्रिभुज के लिए, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल गई? 4। अब देखिए इसको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, और ये पूरा लेकर के कितना हो जाएगा? 4। तो ये वाला त्रिभुज कितना बना लेगा? 4। अब बताइए ये सभी दोनों त्रिभुज किसमें वाले हैं? बड़े वाले त्रिभुज में, तो प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 1 बराबर 9। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया? 9 हो गया। इसका आंसर कितने सेकंड में दिए आप लोग? मात्र 3 सेकंड में। तो अगर आप सीख जाएंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पता होना चाहिए ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को कट कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 4। 4 बड़ा वाला त्रिभुज है, प्लस 4। ठीक है, अगर ये नहीं दिया बड़ा वाला तो प्लस 1 करके छोड़ देंगे, बराबर जाएगा जैसे पहले वाले स्टेप में किए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, तो जितने त्रिभुज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो को दोबारा स्किप करके देखेंगे, वैसे ही समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को तक बने रहिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे देखिए। चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए ये त्रिभुज इस तरह से दिया है, अगर मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो आप लोग बता सकते हैं, 3 सेकंड में आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, 3 सेकंड में उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं, तो मैंने बोला था अगर मान लीजिए नहीं दिया है तो आप फिगर काउंटिंग कर लेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, इसमें कितने ट्रायंगल्स बने? 4, इसमें कितने ट्रायंगल्स बने? 4, ठीक है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज में है, प्लस 1, इतना तो किए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, 2 त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे। ये छोटे वाले त्रिभुज का 4 बनाया, उसके बाद वाले त्रिभुज का 4 बनाया, बड़े वाले त्रिभुज में प्लस 1 कर दिए, और इसको लाइन को कट कराया, दो भाग में विभक्त कराया, तो यहाँ पे दो त्रिभुज और अलग से जुड़ी जाएंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे नंबर आप काउंट करेंगे 9 और प्लस 6 बराबर कितना होगा 9, 6, 15, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 50, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 50। देखिए एक बार और समझाते हैं, ये छोटा वाला अभी आप ये स्टेप करके आए, तो छोटे वाले के 4, उसके बाद वाले के लिए 4, और एक बड़े त्रिभुज में है तो प्लस 1, और यहाँ पर दो दो त्रिभुज ऑलरेडी बना रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, तो फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, 9 प्लस 6 बराबर 15। आगे देखते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए अभी और शेयर कीजिए, ये आप लोगों का ड्यूटी बनता है भाई, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख करके छोड़कर चले जाएंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं छोटी छोटी बातों बेसिक से सिखा रहा हूँ और आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, और आगे देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह आता है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का ट्रायंगल दे दिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर लेंगे, ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे, तो आप जब तक त्रिभुज को गिनेंगे हर त्रिभुज एक एक बार दो दो बार आता रहेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग करेंगे, और उसके साथ 2 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें से क्या घटाएंगे, 5 वाला अंक घटा देंगे, इसके बाद वाला अंक क्या करेंगे घटा देंगे, तो यह हो गया 6 का स्क्वायर 36 और गुणे 2 माइनस 5 72 माइनस 5 बराबर 67, 72 माइनस 5 बराबर 67, ये ट्रिक है, जो भी बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके साथ 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यह नंबर इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो डबल, तो यह समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, समबाहु यानी समान भुजा वाला, माइनस 5 कर देंगे, यहाँ पे हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 72 में से 5 घटा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 67, यहाँ पे कितना हो जाएगा 67, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इस प्रकार से कर लेंगे, तो यह हमारा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, और आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है तो हम इसको काउंट कर लेंगे 3, 4, अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 फिर लेंगे, 4 गुणे 2 कर देंगे बराबर कितना जाएगा 8, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे देखिए, चलिए इस बारे में देखिए, अगर यह इस प्रकार से दे दिया तो हम काम कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमें 8 नंबर्स मिले, 8 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 8, 16, तो हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल गई 16 मिल गई, अगर बाई द वे इस तरह से दिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ
अब क्या करेंगे, इसका कितना है 16, तो इसका भी कितना आएगा 16, तो 16 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 32, 16 प्लस 16 बराबर 32, लेकिन यहाँ पर इसका 32 आंसर आएगा नहीं, आएगा नहीं, इसका 32 आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह त्रिभुज कितने पॉइंट से जुड़ा है, दो पॉइंट से, एक ये वाली पॉइंट, एक ये वाली पॉइंट, ठीक है। ये वाला देखेंगे तो एक त्रिभुज बनाएगा, ये वाला त्रिभुज देखेंगे ये वाला बनाएगा, तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, एक और दो, माइनस दो कर देंगे, बराबर यह त्रिभुज कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि यह दो त्रिभुज हमेशा कॉमन हो रहा है, इसमें भी आ रहा है और यह त्रिभुज इसमें भी आ रहा है, दो 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 बार काउंटिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, फटाफट कीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका आंसर कितना है 30, अगर माई अभी इस तरह से दे दिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए फटाक से 3 सेकंड में, आप लोगों को मालूम चल गया होगा यहाँ पर 3 वर्ग में सभी त्रिभुज है, तो 16 प्लस 16 प्लस 16, अब देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, एक दो तीन चार, कितने पॉइंट्स मिले 3 4, तो माइनस 4 कर दें, 16 16 32 48, 48 में से 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 44। ये कैसे है, 16 इसका 16 इसका और 16 इसका 16 32 16 3 48, 16 3 48, अब माइनस कितने पॉइंट्स मिले हमें, एक दो पॉइंट दिया हुआ, 3 4 जुड़ा है, तो यहाँ पे माइनस 4 कर देंगे, तो 48 में से माइनस 4 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 44। तो हमारे विधि से आप लोग सीख सकते हैं, आज पार्ट टू भी कंप्लीट हुआ मेरा, ठीक है, आज पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया और इसमें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबा के रखिए, ताकि हमारा नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, और गरीब छात्रों के लिए मैं यह पढ़ा रहा हूँ, और जो भी यूट्यूब के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ वह सटीक होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं या अंत तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक यू।